अपने कोले कोई टैलेंट नहीं है ना सुरै ना कुछ होर अपने कोले सिर्फ एटीट्यूड आ पॉजिटिव एटीट्यूड नैगेटिव नहीं ये एक ही चीज है जे नैगेटिव होगी तो डुब जाता पॉजिटिव होगी तो चढ़ जाता पॉजिटिव है अपने काम मनी लोग बथेरा कुछ बोलेंगे भी तू ए करदा वो करदा ये करदा जो थोड़े जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना तो थोड़ा कोई थोड़ा जरा गोल है मैं सुनिया 25 गाने आउन डे अभी कठे एक एल्बम च हाय ओए रब्बा नेरी आन वाली है टिकटॉक ते साडा मुंडा ता इदा ही करू एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। दोस्तों सिद्धू मूसेवाले दी चंडीगढ़ शूटिंग दौरान धक्क पैंदी दिखाई दित्ती अते करण औजले ते वड्डा गाना कॉपी करन दे इल्जाम लगे इस पुराने मशहूर गीतकार ते गायक ने लगाए ए इल्जाम पूरी खबर जानने तो पहला जेकर तुसी भी सिद्धू मूसेवाले दी सपोर्ट करदे हो तां इस वीडियो नूं लाइक अते शेयर करना ना भुलना अते ताज़ा खबरां दी जानकारी लई साडे चैनल नूं सबसक्राइब भी जरूर कर लेना जिवें कि तुसी सारे ही जानदे हो कि इस समय सिद्धू मूसेवाला अपने किहड़े प्रोजैक्ट दी तैयारी विच पूरे जोरां शोरां नाल लगे हुए हन ते सिर्फ उसे ते ही काम चल रहा है असी इत्थे गल कर रहे हां सिद्धू दी नवीं रिलीज होने वाली एल्बम मूसे टेप बारे जो कि हुण जल्द ही सब दे सामने होवेगी 25 गाणिआं दे नाल इसे एल्बम दे गाणिआं दी शूटिंग सिद्धू इस समय करदे दिखाई दे रहे हन जिस लई पहला दुबई गए जिथे उन्हां दी मुलाकात दुबई दे सब तो वड्डे शेख नाल भी हुई शेख बेलहासा ने सिद्धू नूं शूटिंग लई अपना प्राइवेट जू तक वरतण लई दित्ता जिसका सिद्धू ने खुद धन्नवाद भी किया सी ते वड्डी गल कि शेख भी मूसेवाले दे गाने दे प्रशंसक सन ते हुण सिद्धू पिछले दिन ही अपने एक होर गाने दी शूटिंग लई चंडीगढ़ विखे मौजूद सन ते इस गाने विच कई तरह के जानवर वरते गए हैं शूटिंग की वीडियो भी सोशल मीडिया से काफ़ी वायरल हुई सी ते गाने का नाम रॉक एंड राउंड रखा गया जिस विच चंडीगढ़ के ही रैपर ने सिद्धू नाल गाना किया है अते ये गाना वड्डे बजट नाल शूट भी किया जा रहा है चंडीगढ़ विच सिद्धू की शूटिंग के समय फैनस बहुत वड्डी गिणती विच दिखाई दे रहे सन जो कि पहला शायद ही किसी गायक की शूटिंग से पहुंचे होण एक फैन ने सोशल मीडिया से यह भी दसिया कि अज के समय में किसी गायक लिए चंडीगढ़ में इन्ना ज्यादा क्रेज नहीं देखा गया कि लोग अपने काम छड़ के सिर्फ शूटिंग देखने लिए ही पहुंच जाए मैं सुनिया 25 गाने आउन डे अभी कठे एक एल्बम च हाय ओए रब्बा नेरी आन वाली है टिकटॉक ते साडा मुंडा ता इदा ही करू एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट। हो जी नु सितना नहीं हो रबी पास साजिशा ओ वहम नहीं हुंदा सुनिए हो जी नु सितना नहीं हो रबी पास साजिशा ओहो आम नहीं हुंदा सुनिए ना मैं ऐना के कमाया तेरे यतने ओ हुण बदनाम नहीं हुंदा सुनिए। गल इत जेकर गायक करण औजले की करिए जो कि अजकल अपने गाणियां ते दूसरे कई विवादां करके भी सुरखियां का हिस्सा बने ही रहिंदे हन सिद्धू मूसेवाले नाल भी औजले की काफ़ी समय तो तकरार दिखाई दिंदी है ते कई जाणिआं दा कहना कि औजले वल्लों सिद्धू दे काम करन दे तरीके की कितना ना कितें कॉपी भी की जाती रही है कॉपी की गल करिए हुण औजले ते एक होर गाने नूं कॉपी करन नूं लैके इल्जाम लगाए जा रहे हैं ते कहा जा रहा है कि पूरा गाना ही मशहूर गीतकार ते गायक दा लिखिया होया गीतकार ते गायक गुरविंदर बराड़ ने हाल ही विच एक इंटरव्यू दित्ती जिस विच उन्होंने दस्सिया कि औजले वल्लों यह गाना कॉपी किया गया हो सकता है असीं गल कर रहे हैं औजले ते दिलप्रीत ढिल्लों दे गाने जट ते जवानी बारे जो कि काफ़ी मकबूल गाना भी दिखाई दिता ते दोवां गायकां ने ही गाने नूं इकट्ठियां गाया इसे गाने दी लाइना गुरविंदर बराड़ ने खुद गा के सुनाईया जो कि उन्होंने लिखिया सन ते उन्हां दा कहना कि गाना उन्होंने पहला ही लिखिया होया सी जिहड़े कवि लोग ने शायर ने गीतकार ने गल करदे ओह वी इक अपने दोस्त नूं वी कह सकदे यार तू मेरे शब्दां ते डाका मार लिया इहदा मतलब इह नहीं कोई अग्रैसिव हो के जां कोई गुस्से हो के जां उस लहजे च नहीं मैं कहा ते ओह जदों कोई थोड़ी सेम लाइन ही मिल जांदी जदों कि गाणा आए नूं उसनूं काफ़ी देर हो गई महीना सारा हो गया मेरे कोई हुंदा मन च मेरे उदां ही खुड़क गई सी मैं कहा यार तो उही लाइन आ अपने वाले गीत की लाइन मैं घर भी गल की तो फिर मैं उदों ही पा दिंदा जे इन्ने भी मेरे मन अज तक कुदरती मैं अपने पुराने गीत सुनी जाता सी उस चैनल पर फिर वह गीत फिर चल पाया फिर मैं लग्या तो फिर मैं वैसे जनरल जी पोस्टिक पाई कि थोड़े थॉट्स से भी ए डाका पै जाता जां किते कवि दरबार हुंदा होवे तो उत्थे भी कई वारी एक दूजे नूं जिहड़े कवि ने जां शायर कह दिंदे कि तेरा तेरे अंदरों थॉट दे विच्चों भी एक चीज़ मैं चुरा ली उहदे ते मैं एक कविता लिखूंगा। हालांकि गुरविंदर का यह भी कहना कि उन्होंने लिखे जट ते जवानी गाने दी कुछ सत्रां इस गाने तो वक्खरियां हन पर सारा गाना ही उसे तर्ज ते कॉपी किया गया। गुरविंदर बराड़ के इस इल्जाम से अजे तक करण औजले का कोई भी रिएक्शन या जवाब देखने को नहीं मिलया पर जरूर वह भी इसका जवाब दे सकते हैं नहीं तो उन्होंने कॉपी के इल्जाम कहे जाएंगे। इतने हुण फैनस का इसे खबर तो बाद कहना कि हुण औजले वालों भी सिद्धू नूं देख के शायद इस तों भी वध गाने की कोई एल्बम रिलीज़ कर दी जाए क्योंकि सिद्धू नूं कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों तुहानूं की लगता कि औजला सिद्धू
सिद्धू की रिलीज नाल एल्बम लिया सकते हैं या नहीं, सानू इस बारे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दसना। इस दे नाल ही इंस्टाग्राम उपर भी वायरल पंजाबी ज्ञान नू फॉलो जरूर कर लेना। जेकर तुहाडे कोल भी साडी वीडियो लई कोई न्यूज़ है तो सानू तुसीं उत्थे दस सकदे हो। धन्यवाद, फिर मिलांगे नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल। देखते रहना वायरल पंजाबी ज्ञान।